हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू संगीतास होम किचन गाइस। तो अभी बज रहे सुबह के 10 और सबसे पहले मैं आप लोगों को स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। और गाइस, आज है संडे, तो अभी बज रहे सुबह के 10, तो मैं आज अभी से अपना ब्लॉग जो है स्टार्ट कर रही हूँ। और मेरा पूजा, घर की सफाई वगैरह सब कुछ हो चुका है, बस कपड़ा ही बाकी है। क्योंकि पूजा करने में लेट हो जाती है इसलिए मैंने कपड़ा नहीं धोया। कपड़ा मैं बाद में वॉशिंग मशीन में धोऊंगी लाइट आने के बाद। लाइट नहीं है अभी, इन्वर्टर पर चल रहा है। तो गाइज, आज जो है ना, मैं आप लोग के साथ एक मछली की रेसिपी है जो वो शेयर करने वाली हूँ। और ये मछली का नाम है कावला माछ। और मैं कैसे क्या बनाती हूँ, चलिए आपको दिखाती हूँ उसका प्रोसेस किचन में। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और जो नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब करें गाइज। और तो चलिए चलते फिर किचन में, और मैं किस तरह से बनाती हूँ ये रेसिपी आप लोग से सर। तो गाइस, मैंने लिया है मसाले में सूखी लाल मिर्च, लहसुन और सरसों। और तो चलिए फिर मैं इसको जो है मिक्सी में मिक्स कर लेती हूँ, मतलब ग्राइंडिंग कर लेती हूँ। ओके, मैंने जो है ना मछली को वो जो मछली वाला वो उसी ने साफ करके मुझे मछली दे दिया था और मैंने इसे धो दिया। देख सकते हो ये समुंदर की मछली है ना, तो इस तरह से दिख रही है। ओके, मसाला जो मैंने पेस्ट बना लिया है, और इसमें दो टमाटर बड़े बड़े मैं टमाटर यूज़ करूँगी गाइस, तो उसको भी मैं क्यूब बना लेती हूँ। और इसके लिए और टमाटर आप देख सकते हो मैंने छोटे साइज के टमाटर मेरे पास अवेलेबल थे, तो ये होंगे आपके 5-7 टमाटर, 7 टमाटर होंगे छोटे छोटे करके, करोड़ आपको लेना है टमाटर। ठीक है, तो चलिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो अब मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे फ्रेंड्स। कम भाई, ऑयल गर्म हो चुका है, तो हम इसमें जो है ये क्या बोल सौंफ ऐड करेंगे और कड़ी पत्ता। जब ये चटकने लग जाए तो फ्रेंड्स जो कटे हुए टमाटर है उसको ऐड करेंगे। इसको ऐड करके अच्छी तरह से हमें जो है गैस को थोड़ा जो है हाई कर लेंगे। इसको थोड़ी देर जो है फ्राई करेंगे। जो मैंने मसाले पीसे थे उसको भी इसमें ऐड कर दिया, और हल्दी और नमक और एक आंबुलो जो होता है उसको भी मैंने इसके में ऐड कर दिया। तो गाइस, जब तक वो उधर हो रहा था मसाला, तो मैंने दोनों बच्चों को देखने के लिए आई थी, और देखिए वो मोबाइल पे लगा हुआ था। बड़ा बेटा जो है वो बाल कटवा के आया था, तो अभी उसको नहाना बाकी था, उसके पापा जो है उसको नहला देंगे। फिर मैं चल जाती हूँ किचन में, और जो मेरी सब्जी है जो है उबाल आ चुकी है, तो मैं सारी मछलियाँ जो है इसमें प्रिपरेशन कर रही हूँ। किचन छोटा सा है गाइस, तो इसमें प्रॉब्लम होती है। ये मछली को फ्राई नहीं करना, इसे कच्चा डालना है इसमें। हम लोग तो काबला माछ बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके मुझे बताना जरूर कि ये मछली का नाम क्या है। फिर जो है इसको ढक्कन लगा देंगे, ढक्कन लगा देंगे उबलने देते हैं कुछ देर। निकाल लिया बिना गुड़ की, और मैं अब जो है इसमें जो अकड़ी को मैंने कूट के ऑलरेडी रेडी कर दिया है, तो इसको मैं मिलाऊंगी इसमें। ज़्यादा नहीं मिलाऊंगी, उतना मीठा भी हो जाए तो कोई टेस्ट नहीं। मेरी जो सब्जी है रेडी बन सब्जी नहीं, चटनी खट्टा हम लोग बोलते हैं माछ खट्टा, तो मछली का खट्टा,
तो गाइज मेरी जो है कंप्लीट हो चुकी है और आप लोगों को रेसिपी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल में जो नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और फुल वॉच करना ना भूले फ्रेंड्स। और आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है, टेस्टी भी लग रहा है और ये खाने में तीखा मीठा और खट्टा इसी टाइप से लगता है, चटपटा टाइप का ये खट्टा है। आप बना के देखना बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर गाइस मिलती हूँ फिर आप लोग को नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस। और मेरी बन गई सारी सब्जी रेडी हो गई। टेक केयर ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल। देख के तो बहुत टेस्टी लग रहा है।